हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में दिखाएंगे कि अंडा करी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने चूल्हा बनाया है और आग जला दिया है। आग बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, तो अब हम इस पर चढ़ा देंगे एग बॉईल होने के लिए और आपको दिखाते हैं नज़ारा। यहाँ पर हम कितना ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर कितना अच्छा नेचर के बीच में है। तो आइए दिखाते हैं, ये देखिए पूरी हरियाली के बीच। तो आइए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, तो देसी चूल्हे पर हमने चढ़ा दिया है एग बॉईल होने के लिए। तो अभी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें है जिंजर गार्लिक मतलब लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट तो नहीं बोलेंगे, इसको क्रश किया हुआ है। और यहाँ पर है टमाटर, और ये रहा हमारा मसाले का डब्बा। तो जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे तब आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन सा मसाला डाला है। तो देखिए एग बॉईल हो गया है और हम लोग इसको उसका कवर हटा दिए हैं, और फिर यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। अब अंडा को छान देंगे, पहले उसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो बॉईल करने के पहले सॉरी छानने के पहले हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे ताकि वो उड़ेगा नहीं। हमने यहाँ 5 अंडे डाल दिए हैं, ये देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा पूरा गोल्डन कलर। बाकी के बचे भी 4 अंडे हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। सारे के सारे अंडे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम एक अलग प्लेट में इसको निकाल लिए हैं, ये देखिए। कढ़ाई और तेल दोनों जब गर्म हो गया तब उसमें हमने सबसे पहले लहसुन अदरक और मिर्ची को कूट कर जो तैयार किया था वो ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद जो कटा हुआ प्याज था वो डालेंगे, और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा फ्राई करेंगे। जब प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, थोड़ा सुनहरा रंग आ जाता है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर, और फिर इसमें बाकी का मसाला आप ऐड कर दीजिए। उसके बाकी के मसाले में आप हल्दी, धनिया, जीरा, जो भी आपको पसंद आता है खाने में आप वो ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कुछ टाइम छोड़कर हर 2-3 मिनट पे आपको इसको चलाते रहना पड़ेगा ताकि ये मसाला जो है नीचे पकड़े ना, मतलब नीचे सटे नहीं और जलना नहीं चाहिए। तो इसको आप कुछ टाइम पे थोड़ा फ्राई करने के लिए ऊपर नीचे करते रहिए। नहीं, एक करी बनाने के लिए हमने अंडे के साथ आलू भी बॉईल किया था, तो आलू को हम लोग छील कर रख लिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जब हमको आलू को मसाले में ऐड करना होगा, इससे इसका ग्रेवी बहुत ही शानदार बनेगा। तो अब ये जो मसाला हम लोग फ्राई कर रहे थे वो प्रॉपरली फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन पाउडर। तो आप भी जब मसाला फ्राई हो जाए तो चिकन पाउडर ऐड कीजिए और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए मिक्स होने के बाद हमारा मसाला कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अब मसाला तैयार हो गया है अच्छे से, तो अब हम इसमें आलू को छोटे छोटे टुकड़े कर कर डाल देंगे और उसको एक बार फिर से मसाले के साथ अच्छे से चलाएंगे ताकि जो मसाला है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू और मसाले को 2 मिनट तक पकाने के बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी ऐड कर दें। आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए।
देखिए हमें और ज़रूरत थी तो हम पानी डाल रहे हैं, और पानी डालने के बाद उसे फिर 2 मिनट तक पकाएं। अब हम इसमें जो फ्राई किया हुआ अंडा था वो ऐड कर देंगे और एक बार फिर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। और नमक तो आपको पता ही है, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं मसाला जब आप रेडी कर रहे हों आपको। तो अब हमारा एग करी 2 मिनट और पकेगा और रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास धनिया पत्ता है और आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे एग करी का फाइनल लुक। तो ये रहा फाइनल लुक विच इज़ रेडी टू सर्व एंड यू कैन एंजॉय योर मील नाउ। थैंक यू।